हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पावर। और मैं विकास दोस्तों पे आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न की जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है सीबीएसई का, जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट हो, सीनियर असिस्टेंट हो या स्टेनोग्राफर, तो उसमें एक सेक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है स्कूल अवेयरनेस एंड इस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जो क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। तो चलिए देख लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं इससे रिलेटेड लगभग 15 के आसपास वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर, ताकि आपकी जो जानकारी है वो और ही सटीक हो जाए और आप एग्ज़ाम में 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो आराम से करके आएँ। तो चलिए ले लेते हैं एक बार फिर से ढेर सारे क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, तो ये अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक नोटिफिकेशन के हिसाब की बात करी जाए तो वो इंग्लिश में सारे प्रश्न यहाँ पर ये आ सकते हैं, और हो सकता है कि दोनों लैंग्वेज में आए। तो यहाँ पर इंग्लिश में कुछ प्रश्न आपके लिए मेरे पास हैं जो रिलेटेड हैं आपके एजुकेशन अवेयरनेस से, और ये जो सारे प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपका जो एग्ज़ाम है, और ये इंग्लिश में है और हिंदी में भी आपको बताता चलूँगा। तो दोनों मीडियम के बच्चे हैं जो इसको देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन, यानी कि जो वर्ड है एजुकेशन, जो एक वर्ड है इसका ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका जो ऑप्शन है ई एंड कैटम, एजु एंड कैटम, वर्ड एजुकेट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख सकते हैं, राइट आंसर है वो ई एंड कैटम, इसका जो ओरिजिन है एजुकेशन का वो यहाँ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, हु इम्फेसिस रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस एज द एम ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने बताया कि हु एम्फेसिस्ट, यानी कि किसने बल दिया था इसको सत्य साबित करने के लिए, ट्रूथ ब्यूटी एंड गॉडनेस एज द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा ही सब कुछ है, आइडियलिस्टिक, प्रेगमेस्टिक, रियलिस्टिक या फिर नेचुरलिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आइडियलिस्टिक, यानी कि यहाँ पर जो इसका हु एम्फेसिस, जो एम्फेसिस है रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ ब्यूटी एंड गॉडनेस, वो आइडियलिस्टिक यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एजुकेशन इज एन आर्ट, कौन सा इसमें से एक सही है, एजुकेशन इज अ साइंस, एजुकेशन इज नादर आर्ट नॉर अ साइंस, टू सम एक्सटेंट इट इज आर्ट एंड टू सम एक्सटेंट इट इज साइंस, यानी कि जो एजुकेशन है वो एक कुछ लोगों के लिए आर्ट है, कुछ जगहों पर ये साइंस है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, यानी कि टू सम एक्सटेंट इट इज़ आर्ट एंड टू सम एक्सटेंट इट इज़ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। व्हाट इज़ द कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। तो ऑप्शन इज इनडायरेक्ट एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या फिर फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर ले लेते हैं वो हो जाएगा आंसर सी, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग, यानी कि जो जो टीचिंग की प्रकृति है, यानी कि टीचर की जो प्रकृति है उसके बारे में, इसमें से कौन सा एक जो है सेंटेंस वो सही है। ऑप्शन है इस डायग्नोस्टिक, इट रिमेडियल, इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल रिमेडियल, ऑल ऑफ द अब स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ये यहाँ पर डायग्नोस्टिक, रिमेडियल, ये दोनों के दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे, ये है नेचर ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, व्हाट इज द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए कंपलसरी तत्व क्या है, जरूरी तत्व क्या है, एबिलिटी टू रीड, ब्राइट माइंड, टेंडेंसी टू नो, नो ऑफ द नन ऑफ द बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि टेंडेंसी टू नो, यानी कि जानने की जो प्रवृत्ति होती है वो यहाँ पर जो सीखने के लिए कंपलसरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप चीज़ों को जानना चाहते हैं नई नई तरीके से, वो यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी कि एक प्रैग्मेटिस्ट की जो फिलासफी है उसके अकॉर्डिंग इसमें से एक कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। ऑप्शन है इट इज़ मेड बाई मैन, इट इज़ एवर चेंजिंग, इट इज़ इटर्नल, इट इज़ वाट एमज टू बी ट्रू इन एक्चुअल प्रैक्टिस। द करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि इट इज़ इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, इन हुज मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द की नोट ऑफ, यानी कि इन्हें बताया है किस मेथोडोलॉजी में टीचिंग की जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो
इज द की आर की नोट ऑफ किसकी की है, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे जो है प्रैग्मेटिज्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस जो प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है वो होता है व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिलेटेड टू, यानी कि जो प्रोग्रेसिव यानी कि सतत शिक्षा है वो किससे रिलेटेड है। तो ये भी है आपका प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हु सेड नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यू इन एडवांस, हु सेड नो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस। आंसर प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स, आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक या फिर मार्क्सिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए, यानी कि जो हो जाएगा प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन का जो मेन सेंटर है वो कौन सा है। सोसाइटी, फैमिली, रेडियो एंड टेलीविजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो इनफॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन होती है उसके जो मेन सेंटर होते हैं, आप सोसाइटी यानी समाज से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, फैमिली से भी, रेडियो एंड टेलीविजन से भी और ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि एक बच्चे की शिक्षा के लिए सबसे पहला उसका स्कूल कौन सा होता है। सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर फैमिली, क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे पहला उसका जो एजुकेशन या फिर एजुकेशन के लिए जो स्कूल होता है वो उसकी फैमिली, उसका परिवार ही होता है। जैसा कि परिवार में उसकी शिक्षा दी जाएगी वैसे ही वो आगे चल के कामयाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसमें से कौन सा एक एजुकेशन सिस्टम है जो साइंटिफिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन है रियलिस्टिक एजुकेशन, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि रियलिस्टिक एजुकेशन जो होती है ये है एक सपोर्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट, टू प्रिपेयर ऑल दैट द टीचर वॉन्ट टू टीच इन लिमिटेड पीरियड, टू प्रिपेयर डिटेल्ड आंसर ऑफ द ऑल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन क्लास, टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क। यानी कि बताया है कि लेसन पढ़ाने का जो है आपका प्लान कौन सा होना चाहिए, वो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग, यानी कि जब कोई टीचर पढ़ाने जाता है तो उसको वो जो लेसन है वो पहले से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। वन ऑन हॉट डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द आईज ऑफ आइडियलिस्टिक, यानी कि ऑन हॉट डिपेंड्स द वैल्यूज ऑफ एन एजुकेशन एक्सपीरियंस इन द आईज ऑफ आइडियलिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेदर और नॉट इट प्रिजर्व एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है और एग्जाम जो है आपका आने वाला है। विच स्कूल ऑफ द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्टेट द डायरेक्टली स्टडी ऑफ मैन एंड थिंक थ्रो टूर एंड ट्रेवल्स, यानी कि बताया है कि विच स्कूल इज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्टेट द डायरेक्ट स्टडी ऑफ मैन एंड थिंक थ्रो टूर एंड ट्रेवल, यानी कि एक इसमें बताया है कि टूर और ट्रेवल्स के द्वारा कौन सी शिक्षा जो है वो स्ट्रेस या फिर डायरेक्ट स्टडी ऑफ मैन एंड थिंग्स के बारे में बताता है। तो इसका जो ऑप्शन है देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सोशल रियलिज्म है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। विच स्कूल बिलीव दैट ऑल नॉलेज कम थ्रू द सेंस, यानी कि बताया है कि कौन सा जो है स्कूल है वो विश्वास करता है कि जितनी भी नॉलेज है सारी की सारी वो सेंस के द्वारा आती है। तो इसका जो ऑप्शन है आइडियलिज्म, सेंस रियलिज्म, प्रोग्रामेटिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंस रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्कूल राइज द स्लोगन थिंक एज दे आर एंड से एज दे आर लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड इन लाइफ रेदर देन वर्ड, द राइट आंसर इज प्रोग्रेस्टिक, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रियलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। एज हैक्सले प्लीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कम्प्लीट एंड थ्रू आउट साइंस कल्चर इन टू स्किल हीज क्लेम टू बी, यानी कि बताया ए कम्प्लीट एंड थ्रू साइंटिफिक कल्चर into school he is claimed to be an idealist, a realist, a pragmatist, a naturalist। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि इसका जो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिलीजियम इज एजुकेशन वॉज बॉर्न आउट ऑफ
तो गाइस यहाँ पे बात करें जो यथार्थवाद है इन एजुकेशन वाज बोर्न आउट ऑफ, यानी कि जो यथार्थवाद है इसका ये जिसका मीनिंग होता है यथार्थवाद एजुकेशन आर बोर्न आउट द एंथुजियाज्म ऑफ द रेसिनेंस द ग्रेट रिलीजियस एंड मूवमेंट ऑफ 7th सेंचुरी अ क्लीवेज बिटवीन द वर्क ऑफ द स्कूल एंड द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड दैट अकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द डिजेनरेशन ऑफ ह्यूमनिज्म आफ्टर रेनेसेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, यानी ये सी वाला इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि द अ क्लीवेज बिटवीन द वर्क एंड स्कूल एंड द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड दैट अकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर यहाँ पे बात करते हैं, हु राइट द स्लोगन बैक टू नेचर, किसने ये जो है स्लोगन दिया था बैक टू नेचर, यानी कि प्रकृति की ओर जो है वापस चलें। तो इसका जो ऑप्शन है रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या फिर एक्सटेंशनलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि प्रकृतिवाद जो है उसने उसने कहा था, ये स्लोगन है जो प्रकृतिवादी शिक्षा है उसके तहत ही कहा जाता है बैक टू नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचुरलिज्म, तो इसका जो आप राइट आंसर ले लेते हैं वो हो जाएगा आर रिएक्शन अगेंस्ट अ मेयर स्टडी ऑफ बुक एंड लिंग्विस्टिक्स फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये डी वाला, अ रिएक्शन अगेंस्ट अ मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। द ऑप्शन इज महात्मा गांधी, रोसो, डेवी, प्लूटो। द राइट आंसर इज रूसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन आर द मास ऑफ फॉली एंड कंट्राडिक्शन, हुज स्टेटमेंट इज दिस, यानी कि किसने कहा था ह्यूमन इंस्टीट्यूशन आर वन मास ऑफ फॉली एंड कंट्राडिक्शन, हुज स्टेटमेंट इज दिस। द ऑप्शन इज रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एग्जिल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। द आंसर इज आइडियलिज्म एंड मार्क्सिज्म बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिलीव दैट ऑब्जेक्ट हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फेनोमेना। द ऑप्शन इज आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, नेचुरलिस्ट, एग्जिस्टेंशलिस्ट। द राइट आंसर इज बी रियलिस्टिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी इज क्लोजर टू आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। द राइट आंसर इज बी रियलिज्म। तो गाइस हमने यहाँ पर आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए हैं अप्रॉक्स 27 के आसपास। तो और भी वीडियोस पड़ी हैं जो आपके हिंदी वाले हैं जो हिंदी के में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हिंदी में जाकर देख सकते हैं वीडियो, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा वहाँ से भी देख सकते हैं, वरना चैनल में जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।